नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा के अनुसार अब प्रत्येक विद्यालय में 13 पंजिकाएं होंगी और उनका परफॉर्मा समान होगा। पहले क्या होता था, सभी विद्यालय में अलग अलग तरीके से पंजिकाएं होती थी, कोई पंजिका को किस तरह से सजाता था, कोई किस तरह से सजाता था, तो उसमें एक रूपता नहीं आ पाती थी, इसलिए सभी पंजिकाओं का परफॉर्मा जारी कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसी होगी हमारी नए सत्र में बाल पंजिका, क्योंकि सभी पंजिकाओं को एक वीडियो में बताना संभव नहीं है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी की अलग अलग वीडियो बनाई जाए, जिससे डिटेल में बताया जा सके कि किस पंजिका में किस तरह से सूचनाएँ हमें दर्ज करनी है। तो आज की इस वीडियो में हम बाल पंजिका के बारे में जानेंगे कि क्या क्या सूचनाएं इसमें दर्ज करनी होगी इस पंजिका में। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो देखते हैं बाल पंजिका का परफॉर्मा किस तरह का होगा। तो ये बाल पंजिका का परफॉर्मा शासन ने डिसाइड किया है, अभी ये डिसाइड नहीं है कि ये पंजिका आपको शासन के तरफ से मिलेंगी या आपको अपने आप प्रिंट करानी होगी। जल्द ही मार्केट में ये उपलब्ध हो जाएंगी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसी तरह का परफॉर्मा आपकी पंजिका का होने वाला है। और अगर मार्केट में उपलब्ध नहीं होती है तो हम इसकी पीडीएफ से अपनी पंजिका स्वयं भी बना सकते हैं। तो ये बाल पंजिका का परफॉर्मा है, एक रूपता लाने के लिए ही ये परफॉर्मा जारी किया गया है। इसमें देखिए, सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना है, फिर उसके बाद प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक है या आपका कंपोजिट है ये लिखना होगा, फिर विकासखंड, फिर जनपद और फिर अपने विद्यालय का यूडाइस कोड, ये आपका पहला पेज होगा। उसके बाद दूसरे पेज पर फिर दोबारा से इस तरह से ये आपका प्रिंट हुआ मिलेगा बाल गणना पंजिका। इसमें विद्यालय का नाम, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट, ये आपके सेम डिटेल आपको फिलअप करनी होगी। तीसरे पेज से आपको बाल पंजिका का, जिस तरह से हर बार हमें बाल गणना जब हम करते थे तो हमें परफॉर्मा बनाना पड़ता था, लाइन खींचनी पड़ती थी, उस सब काम से आपको मुक्ति मिल गई है, आप आसानी से इसमें बाल गणना कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें पूरे दो पेज पर पूरे कॉलम बने हुए हैं और इन कॉलम को आपको केवल फिलअप करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखेंगे यहाँ पर कि आपके विद्यालय का नाम क्या है। उसके बाद मजरे का नाम, यानी आपकी ग्राम सभा में अगर आप किसी मजरे की बालगणना कर रहे हैं तो यहाँ मजरे का नाम लिख देंगे। उसके बाद ग्राम सभा का नाम, यहाँ पर ग्राम सभा का नाम लिखेंगे। उसके बाद क्रम संख्या, यहाँ पर क्रम संख्या लिखी जाएगी। उसके बाद छात्र की यूनिक पहचान संख्या, यहाँ पर जो छात्र की यूनिक पहचान संख्या होगी उसको आप इसमें लिखेंगे। इसमें आप अपनी आधार कार्ड भी लिख सकते हैं बच्चे का। वैसे यूनिक पहचान पत्र छात्र को जब आप छात्र का प्रेरणा पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तब आपको एक यूनिक पहचान पत्र संख्या मिलेगी, तो वो यूनिक पहचान पत्र संख्या आपको इस पे भरनी है। यानी कि छात्र का जब प्रेरणा पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब वहां पर जाकर आपको यूनिक पहचान पत्र संख्या मिलेगी, वो आपको यहां पर लिखनी है। उसके बाद छात्र का यहां पर प्रवेशांक लिखेंगे, उसके बाद बच्चे का नाम, उसके बाद बच्चे का लिंग, फिर जाति या धर्म, वर्ग, जन्म तिथि, पिता का नाम, शैक्षिक योग्यता, यहां पिता की शैक्षिक योग्यता लिखनी है कि पिता की शैक्षिक योग्यता क्या है। उसके बाद व्यवसाय लिखेंगे, यानी पिता का व्यवसाय क्या है। उसके बाद माता का नाम लिखेंगे, माता का नाम लिखने के बाद फिर माता की शैक्षिक योग्यता लिखेंगे, उसके बाद फिर माता का व्यवसाय लिखेंगे, उसके बाद पता और मोबाइल नंबर, यहाँ पर पता और मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। तो ये 14 कॉलम हुए। उसके बाद 14 कॉलम के बाद 15वां कॉलम हमारा होगा एपीएल है या बीपीएल है, यानी परिवार की स्थिति क्या है। ऊपर विकासखंड, जनपद, न्याय पंचायत, शैक्षिक सत्र या लिख देंगे। परिवार की स्थिति क्या है, एपीएल कार्ड बना हुआ है या बीपीएल कार्ड बनाया, ये आप उनसे पूछ के पता करके लिख सकते हैं। उसके बाद नामांकन की स्थिति, बच्चे का नामांकन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है, हाँ है इस कॉलम में, तो नामांकित विद्यालय, किस विद्यालय में उसका नामांकन हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो नामांकन न कराने का कारण आप इस कॉलम में लिखेंगे कि आप बच्चे का नामांकन क्यों नहीं कराया गया, क्या कारण है। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ने के बाद उनसे पूछा जाएगा कि पूर्ण की गई अंतिम कक्षा,
यानी आपने अंतिम कक्षा कौन सी पूर्ण की गई है वो इसमें लिखी जाएगी। उसके बाद 20वें कॉलम में विद्यालय छोड़ने का कारण, यानी विद्यालय बच्चे ने क्यों छोड़ा, क्या कारण रहा, परिवार की आर्थिक स्थिति रही या और कोई कारण रहा या परिवार कहीं शिफ्ट हो गया, तो इसमें आप कारण लिखेंगे। उसके बाद वर्तमान व्यवसाय, वर्तमान व्यवसाय क्या है। उसके बाद निकटतम विद्यालय की दूरी, यानी जहां पर बच्चा रह रहा है उससे प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी है, उच्च प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी है। उसके बाद दिव्यांगता, हाँ तो इसमें हाँ लिखेंगे और नहीं तो नहीं लिखेंगे, और अगर हाँ लिखते हैं तो दिव्यांगता का प्रकार लिखेंगे कि किस तरह की दिव्यांगता है, अस्थि दिव्यांगता है, नेत्र दिव्यांगता है, किस तरह की दिव्यांगता है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है घुमंतु परिवार। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो घुमंतु होते हैं, यानी कि कभी यहाँ रहने लगते हैं कभी वहाँ रहने लगते हैं, तो उसमें लिखा जाएगा हाँ या नहीं। जो गांव में रह रहे हैं तो वे तो नहीं लिखे जाएंगे, लेकिन जो गांव में नहीं रह रहे हैं घुमंतु हैं वहाँ हाँ लिखेंगे, और जब हाँ लिखेंगे तो फिर उनका स्थायी पता लिखेंगे कि ज़्यादातर वे कहाँ पर रहते हैं। तो इस तरह से कॉलम अब आपको बनाने नहीं पड़ेंगे, इस पंजिकाओं में आपके कॉलम बने हुए मिलेंगे, आपको केवल इसको फिलअप करना है। जल्दी ही ये पंजिकाएं मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगी और हो सकता है ये विभाग की तरफ से भी आपको पंजिकाएं मिल जाएं। अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, जैसा ही कोई नया आदेश आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। इसके साथ साथ प्रत्येक पंजिका का अलग अलग वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में बिल्कुल संभव नहीं है सारी पंजिकाओं के बारे में बताना, तो इसलिए सबकी अलग अलग वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी। इस तरह से इस पंजिका में आपके लगभग 404 पेज होंगे, ये आपको प्रिंट हुई मिल जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब इस पंजिका में जब 404 पेज पूरे हो जाएंगे तो इस पंजिका के लास्ट में एक पेज होगा आपका प्रेरणा लक्ष्य का, जिसमें आपके भाषा के प्रेरणा लक्ष्य दिए गए हैं और उसके साथ साथ गणित के प्रेरणा लक्ष्य दिए गए हैं। तो इस तरह से इसमें लिखा हुआ है प्राथमिक विद्यालयों के सभी छात्र मार्च 2023 तक प्रेरणा लक्ष्य हासिल करें। तो साथियों ये हमारा हुआ बाल गणना पंजिका का रजिस्टर, इस तरह का आपका बाल गणना पंजिका का रजिस्टर होगा। अगर आप चाहते हैं इस तरह की मैं सभी पंजिकाओं की वीडियो बनाऊं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो मैं भी प्रेरित होता हूं वीडियो बनाने के लिए। इसीलिए मैं सभी की अलग अलग वीडियो बना रहा हूं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसा ही कोई नया आदेश आता है कि ये पंजिकाएं आपको कहां से मिलेंगी, वैसे इसमें पंजिकाओं के बारे में आदेश में कुछ स्पष्ट नहीं लिखा है, उसमें लिखा है कि मद लिख दी है, इस मद से क्रय की जाएंगी, क्रय करने का मतलब ये मार्केट में आपके उपलब्ध हो जाएंगी। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।